तुम लोगों का भी सही है। एक चोट देता है तो दूसरा पट्टी बांधता है। वाह क्या बात है। सही ओहो चाचा जी ने गैस भी तोड़ दी। अब ऑमलेट बन ही नहीं सकता। कोई बात नहीं नॉन ग्रिल सैंडविच खाओगी? श्योर बात क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? प्लीज मेरी बात सुनो ना। शोर है सुनो ना मैं क्या कह रही हूँ। प्लीज सुन लो। सुन रहा हूँ बोलो। शोर जरा कैप्सिंग पास करना। कीरा पास करना। चौरे तुम मुझे इस तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो? प्लीज मुझे बात करो ना। मुझे बताओ तुम क्या करने वाले हो? मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुमने तो खुद ही सोच लिया होगा ना। शौर्य खन्ना तुम कितने बड़े कमीने हो। मैं अपना घर परिवार छोड़ के आई तुम्हारे लिए, और अब जब मेरे चाचा ने आके तुम्हारे रेस्टोरेंट के चार ग्लास क्या तोड़ दिए, तुम मेरे परिवार को बर्बाद कर दो। यही सब सोचा है ना? यही सब घर पे बोल के आई हो ना? सोचती रहो कोई जवाब नहीं मिलेगा। चलो नाश्ता करते हैं। शौर्य तुम्हारे आदमी से खून बह रहा है। प्लीज छोड़ो प्लीज छोड़ो। शौर्य मेरा हाथ छोड़ो ना। शौर्य शौर्य हेलो
अपने घर वापस भी तो जाना है। तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी महेश शर्मा। अपने घर वापस भी तो जाना है। तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी महेश। कुछ कहा उसने? लेकिन वो कुछ करेगा जरूर। आज जो मैंने उसकी आंखों में वो शान गुस्सा देखा है ना, उसके बाद मैं और डर गई। आप लोग शायद मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, लेकिन शौर्य दिल का बुरा नहीं है। सोनल के लिए वो रोहित से भिड़ गया, नेहल के लिए वो अजय से दुश्मनी मोल ले ली, लेकिन उसका गुस्सा, उसकी जिद, उसका वो एम्बिशन, उसका वो पागलपन, मुझे इससे बहुत डर लगता है। तू चिंता ना कर पुत्र, मैं कल सवेरे ही उसके घर जाऊंगा। हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के मैं माफी मांग लूंगा। मैंने जो कुछ भी किया वो इस बात में आके गुस्से में किया। वो भी मेरी बात समझेगा। हाँ पुत्र, हम दोनों चलेंगे कल सुबह। इतना आसान नहीं है चाचू। शौर्य ना एक छोटे बच्चे की तरह है, जिसका अगर खिलौना तोड़ दिया जाए ना, वो शांत नहीं ये दूरियां इन राहों की दूरियां, निगाहों की दूरियां, हम राहों की दूरियां, फना हो सभी दूरियां। क्यों कोई पास है दूर है, क्यों कोई जाने ना कोई यहां।
दवाई तो टाइम से ले रहे हो ना। देखो दवाई लेनी बहुत जरूरी है, अगर दवाई नहीं लोगे तो ठीक इस तरह होगे चाहे जी, ठीक हो ना भाई साहब। भाई साहब ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? वो क्या है कि बेटी की मालिश के लिए कुछ सामान चाहिए था, वही लेने जा रहे हैं। तो भाई साहब मुझे बता देते मैं ले आता। नहीं नहीं वो मुझे भी बाजार से कुछ सामान लाना है तो आ रहे हैं बस एक घंटे में। हेलो जी मम्मी जी। मैंने खीर बनाई है सबके लिए। तुम सब लोग खा लो, हमें देर हो रही है। चाची दो चम्मच खीर खा लोगी तो देर कहाँ होगी? अच्छे काम के लिए जा रहे हो, जो गलत हुआ है उसे सही करने जा रहे हो। मुंह मीठा करके जाओ। बैठो हम देखते हैं कौन है भाई, क्या हो गया? बवाल मचा दिया है तुम लोगों ने। और ये क्या गुंडा कर दिया? और रुका और रुका दुकानों पे नोटिस चिपका गए, कहते हैं ये सारी दुकानें अनऑथराइज है, सारी कंस्ट्रक्शन गैर कानूनी है, इसीलिए से तोड़ रहे हैं कसम देसी की। ऐसे कैसे अनऑथराइज है, गैर कानूनी है? कमाल है, इतने सालों से धंधा कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे कैसे तोड़ दे? तेरी पागल ऐसा मत करवाइए। सरकारी काम है ये, इसमें दखल दोगे ना तो अंदर कर दूंगा। इतने सालों से तुम लोग पैसा खिला के धंधा चला रहे थे ना, अब नहीं चलेगा, तुम्हारा पूरा मार्केटिंग लीगल है। सर जी कोई नोटिस तो होगा, कोई कोर्ट कचहरी तो होगी, कोई सुनवाई तो होगी, ऐसी चीजें तोड़ देंगे। ये खाल तो बात है सर, ये खाल तो बात है। देखिए हम लोग टैक्स भरते हैं, पुरानी दिल्ली व्यापारी एसोसिएशन के मेंबर है, आप प्लीज रुकवा दीजिए, खाल तो बात है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैसा कर देंगे, ऐसा मत करवाइए। मैम मैं क्या रुकवाऊंगा, अगर आप चाहें तो सब दो मिनट में रुक सकता है, हम सिर्फ ऊपर का ऑर्डर लेते हैं। इधर बात कीजिए, सब रुक जाएगा।
ऑफिसर क्या हुआ, ये काम क्यों बंद कर दिया? इंक्रोचमेंट खत्म करनी है ना पुरानी दिल्ली की सड़कों से, जल्दी करो। अरे यार गली तोड़ो भाई। बर्बाद हो जाएगा क्या हम लोगों की, बोले वालों की रोजी रोटी की दुकान है इस रूम को। प्लीज रूम पेट पे लात मारने से पहले सोचना चाहिए। नहीं शर्मा, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि मेरे लिए मेरे सपने से बड़ा कुछ भी नहीं। वो रेस्टोरेंट जो तुम्हारे चाचा ने तोड़ने की कोशिश करी वो मेरा सपना था, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। आपके बुलडोजर वाले ने चूड़ियां पहनी हाथों में, पीट कम है क्या इसके हाथों में? जल्दी करो और जल्दी जल्दी हाथ तेज चलाओ थोड़ा। ठहरो, अब तेरे को मैं बताऊं, साले बंद कर ले, हिम्मत कैसी तेरी माँ यहाँ पे आने की? बहुत लोगों की जिंदगी की मेहनत है, सब बर्बाद हो जाएगा। प्लीज रोक दो, तुम जो कहोगे मैं करूंगी, पूरी जिंदगी तुम्हें शक्ल तक नहीं दिखाऊंगी। प्लीज अब रुकवा दो ना, प्लीज मैं माफी मांगती हूँ, रुकवा दो, चाचा के सदा बोलने वालों को मत दो ना, मेरे लिए हमारे आधे अधूरे टूटे फूटे वाले रिश्ते के लिए रोक दो, रोक दो ना। इनकी क्या गलती है? अरे लोगों की सारी जिंदगी भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी शौर्य। चाहे मैं अपनी मर्जी से कुछ उधार लूं या कोई जबरदस्ती देकर जाए, पर लौटाता 10 गुना ज्यादा ब्याज के साथ।